और बहुत से घरों में। लेकिन ये जो सिक्योरिटी कैमरा है इसकी रेंज फिक्स्ड है, मींस के ये एक जगह एक वक्त में एक जगह पे फोकस कर सकता है। और जो मूविंग कैमरा है वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। तो आज हम इस जो ये जो फिक्स्ड कैमरा है जिसकी रेंज लिमिटेड है, और आज हम इस कैमरे को मोटराइज करके मूवेबल बनाएंगे। इसके लिए जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो है गियर मोटर, जो कि आपको किसी भी हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगी, या फिर आपको जो वॉल फैंस होते हैं और पेडिस्टल फैन होते हैं उनमें मिल जाएगी। इसकी जो रेटिंग है वो है 220 वोल्ट एसी पे ये चलती है, इसके 5 आरपीएम है और ओनली 4 वॉट एनर्जी यूज़ करती है। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं हमने शाफ्ट कनेक्ट की हुई है, ये शाफ्ट इस कैमरे का स्टैंड है, ताकि हमने इसकी जो मोटर की शाफ्ट है उसके साथ हमने कैमरे का स्टैंड कनेक्ट कर दिया है, ताकि कैमरा इसमें कनेक्ट हो सके और ये इजीली रिवॉल्व कर सके। और कुछ हम इसमें स्क्रूज यूज़ करेंगे और हम इसमें बैटरी एज अ बेस यूज़ करेंगे। आपको हर हार्डवेयर स्टोर से मिल जाएगी ये मोटर। डायरेक्ट 220 वोल्ट पे चलती है और इसमें 4 वॉट की एनर्जी यूज़ होती है और इसके 5 आरपीएम है। इसकी ख़ास बात यह है कि जब यहाँ इसको कहीं से भी ब्लॉक किया जाता है तो ये दूसरी टाइप पर टर्न हो जाती है। इसमें ख़ास कुछ एडिशन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम इसमें दोनों होल्स पे स्क्रूज लगा देंगे, ताकि मोटर एक ख़ास एंगल तक घूमे, मींस के 180 डिग्री एंगल पे घूमे और वहाँ से ब्लॉक होकर फिर वापस आ जाए। फिर आपने इस मोटर को स्क्रूज की हेल्प से इसके बेस पे टाइट कर देना। जैसे कि आप देख रहे हैं जो हमने इसमें स्क्रूज लगाए थे उसकी वजह से इसको ब्लॉक मिल गया है, जिसकी वजह से ये सिर्फ 180 डिग्री के एंगल पे घूम रही है। हमारा प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब हम इसमें कैमरा लगा देंगे उसकी, अब हम इसमें कैमरा फिक्स कर देंगे। As you can see कि हमारा प्रोजेक्ट कम्प्लीट हो चुका है और हमारा जो कैमरा है मूविंग कैमरा वो ज़्यादा एरिया को भी कवर कर रहा है। अगर आपको हमारा प्रोजेक्ट पसंद आया हो तो आप हमें फीडबैक दे सकते हैं हमारी वेबसाइट www.parksc.org। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट।